कृष्ण को क्यों रोना पड़ा कर्ण के वध पर, और ऐसी कौन सी दिव्य घटना घटी जिसे देख सभी देवी देवता ऋषि मुनि अर्जुन और बचे हुए पांडव आश्चर्यचकित हो गए। दोस्तों, महाभारत युद्ध का सत्वर दिन था, जिस दिन महारथी कर्ण और अर्जुन का आमना सामना होना था। उस दिन दोनों ही योद्धा एक दूसरे को मारने के लिए इस रणभूमि में उतरे थे, लेकिन महारथी कर्ण युद्ध के परिणाम को पहले से ही जानते थे। उन्हें पता था कि भगवान श्री कृष्ण के होते हुए कौरव कभी भी चाहते हुए भी पांडव पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। फिर भी दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण और महारथी अर्जुन को कड़ी टक्कर दी थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा कर्णियों पर अपनी माया का प्रहार करते रहते ताकि वो किसी भी तरह अर्जुन को मार न सके। पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के पश्चात सिर्फ कर्ण ही थे जो अर्जुन का वध कर सकते थे। इसीलिए दुर्योधन ने उस दिन अपनी सेना का सेनापति कर्ण को नियुक्त किया था। उस दिन वो क्षण आ ही गया जब इन दोनों महावीरों का एक का अंत होना ही अनिवार्य था। महारथी कर्ण अपने विजय धनुष को धारण किए हुए था। उस दिन पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा कर्ण के सामने टिक नहीं पाया था। उन्होंने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को कड़ी टक्कर देकर पछाड़ दिया था और उनको जीवन दान दिया था, क्योंकि माता कुंती ने कर्ण से पांडवों का जीवन दान मांगा था, लेकिन विधि के विधान में कुछ और ही लिखा था। अर्जुन के साथ युद्ध करते समय भगवान परशुराम के दिए हुए श्राप के कारण कर्ण भूलने लगता है, लेकिन अपने गुरु के श्राप को भी अपनी धैर्य शक्ति से कुछ हद तक विफल कर दिया था। कर्ण ने दो बार अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र भी चला दिया था, लेकिन वो उस समय अपने अजय प्रस्थान भागवास का आवाहन नहीं कर पाए थे। फिर भी कई बार भगवान श्री कृष्ण के होते हुए उन्होंने अर्जुन को परास्त किया था। फिर युद्ध के दौरान ही कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में जा गिरा और उनके हाथों से विजय धनुष उस वक्त छूट गया था। तब उस समय कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने उतर गए थे जमीन पर। इसी मौके का फायदा उठाते हुए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इस बात का आदेश दिया कि अब तुम कर्ण को मार सकते हो। कृपया अपने बाण की धारा को कर्ण पर चला दो। वही सब अर्जुन ने किया। और फिर क्या था, अर्जुन ने अपने गांडीव से कर्ण निहत्ते कर्ण पर प्रहार करना शुरू कर दिया। बाकी तो ऐसी ही स्थिति में कर्ण मारा गया था, वरना कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो दानवीर कर्ण को मार सकती थी। अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।